हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनदर वीडियो। तो यस, हमेशा की तरह हम लोग आए थे आज इनोवेट मॉल में, और हमेशा की तरह ही मैं आज आकाश का वेट कर रहा हूँ, और मेरे साथ मैं नहीं, ये हमारा जो डेली वाला दोस्त रहता है ये भी हमेशा की तरह हमारे साथ ही है। हमेशा की तरह सब लोग, हम लोग पहले जैसा ही चीज़ें करने वाले हमेशा की तरह। और मैं अभी लेडीज वॉशरूम के सामने खड़ा हो गया, तो उसका रिएक्शन ऐसा था। चलो वेब्स। ओके गाइस, सो अभी गया आकाश हमारे लिए कुछ लेने के लिए, और ऑब्वियसली पीछे सब देख रहे हैं, मतलब मैं, हम लोग आकाश के घर पे। तो मैंने ये सोचा है कि जितनी ज़्यादा कॉमेडी और जितना ज़्यादा फन, जितनी ज़्यादा शैतानी मेरे कपड़ों के साथ, भाई खींचातानी ये जो लोग करते हैं ना मेरे कपड़ों के साथ, आज मुझे मौका मिला है इन दोनों को रिटर्न देने का। तो मैं अभी आकाश के घर पे हूँ, ठीक है, और हमारे साथ है हमारा ओ पीछे से फूलों का है लेम जोक। तो बाकी अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं आकाश के कपड़े पहन के, मैं और मतलब मैं और ऋतिक आकाश के कपड़े पहन के एक आपके लिए फोटो शूट करेंगे, और एक स्पेशल वीडियो सिर्फ आपके लिए। गाइस, मैं आई एम लिटिल पेटू एंड ही इज माय बिग पेटू। यस, 9 months ओनली यू। तो यस, अभी हम शुरू करने वाले हैं OTT ड्रेसिंग सेंस फॉर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब रील। सो मेरे, तो मेरे वार्ड में से मैं क्या क्या पहनू, व्हाइट शर्ट। हेलो आकाश, कब हम आकाश को ये वीडियो भी दिखाएंगे और उसका रिएक्शन भी देखेंगे। मैं तेरे चूज करता हूँ। ओके, ऑल क्लोथ्स आर माइन। ओके, वेयर दिस। ओके, टेक दिस, दिस लुक्स वेरी गुड फॉर यू ब्रो। महंगा हैंगर, बहुत नीचा है, पता है, अलग अलग हैंगर लगा रखे, पता नहीं कहाँ कहाँ से बटोर के लाया है। ये देखो, नीले पीले गुलाबी। लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस, हाउ इज दिस पॉसिबल, ही इज लुकिंग लाइक अ गू। ओ मैन, किलर लुक। गाइस, दिस इज फ्रंट लुक एंड दिस इज बैकलेस, माय बैकलेस। एंड मुझे ऐसा लगता है, मैं तो इतने मुझे कैप भी अच्छा लग रहा हूं। मुझे कैप चाहिए। यू वांट कैप? लुक जस्ट विद वू, टेक दिस कैप ऑन योर हेड ब्रो, आप तकदीर की टोपी के मालिक हैं। और अब मुझे लगता है मुझे शादी में जाने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। वू शादी के लिए रेडी। ये देख किसके लिए, एक टोपी लगा ले। Who is my phone face? ये मेरा टोपा है गाइस, ये जो चोर, ये लोग इतना हुए कभी ना, इतने सारे कपड़े देख रहे हो, पर फिर भी मेरे कपड़ों को मांगने की याद नहीं। इससे पहले लोग बोला था, कितनी बार बोलेगा मेरा मेरा, सब मेरा है तो मैं बोलूंगा। अभी फोकस करते हैं अपने काम पे। चल टी शर्ट, ये जैकेट उतार, जैकेट उतार, सब उतार, सब उतार दे। तुझे मुझे नया गेटअप देना पड़ेगा, मुझे तेरी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, मलिश मल्होत्रा बनना पड़ेगा मुझे। One hand only, don't take two hand. Abu cap pen. Oh my cap, तो अंदर है। Outfit change, beat change मेरा, outfit change मेरा, घर change मेरा। भाई, woo Batman, woo. Guys, hello, hi to good morning. कभी उसे कहता हूँ, उसे हूर हूर कहता हूँ, कभी उसे
तभी उसे नो 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 कहता बस कभी मर जाएगी भाई लेट्स गो टू इट माय सेल्फ माय इंग्लिश इज बेस्ट इफ यू वांट टू टीच इफ यू वांट टू लर्न कम 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 बेबी कम 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 भाई तेरी नाभि का निप्पल देख रहा है ओके गाइस सो बेसिकली यू हैव अ गुड ओके गाइस सो यू हैव अ बैड न्यूज मैं बताता हूँ वो क्या है कि हम लोग नीचे जा नहीं सकते क्योंकि भाई साहब लेके गए चाबी तो हमें जो भी है यहीं पे करना पड़ेगा इस फुल रूम में हमको फुल टूर देना पड़ेगा आप लोगों के लिए सो आर यू गाइस रेडी लेट्स गो गाइस एक्चुअली हमने सोचा कि क्यों ना अगर हम इसी रूम में करने वाले कुछ तो एक रील बनाई जाए क्योंकि अभी वो नीचे गया है तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा अभी भी फट से आ सकता है तो जब बाहर रहेगा तो फोन तो देखेगा ही देखेगा सोच रहे कि तब तो उसको हमारी रील दिख जाए बेहतरीन वाली गाइस ये हमारा व्लॉग है हम डांसिंग करते हैं पता नहीं क्यों चार लोग हमको देख के जलते हैं गाइस रील बन रहा है लाइक करो फॉलो करो निकला मैं गली से छोटे से कपड़े मैंने पहने छोटे बातें मैं हूं करता छोटी सोच हूं मैं रखता गंदी बातें मैं हूं करता गाली भी मैं कभी देता और He's like a jolly set. ओके गाइस सी यू कंटा है और पिपाइन आपसे कल मिलते हैं बच्चे एकदम भारी ना तो बच्ची मैं एक गाना गाना चाहता हूँ लास्ट दिस इज फॉर माय ब्रो आकाश थापा तो बच्ची कुछ पेश करता हूँ तुम लोगों के सामने बच्ची इधर आना बंटा इधर आके बैठना चुपचाप मैं आया हूँ मुंबई की गली से क्या बोलते ब्रो छोटा सा मैं बच्चा छोटी चीज रुक जा मैं आया हूँ मुंबई की गलियों से मैं आया हूँ मुंबई की गलियों से छोटा सा मैं बच्चा यार मैं आया हूँ मुंबई की गलियों से बच्चा बच्चा मेरे को है यहाँ पे जानता बच्चा मैं आया हूँ मुंबई की गलियों से बच्चा बच्चा मेरे को है जानता हाँ मानता साथ में मेरे साथ सेल्फी लेके वो मेरे को पहचानता सेंटा सेंटा गिफ्ट लाता गिफ्ट है सेंटा जेंटा पीता हूँ मैं फेंटा आई मेरे एकदम लड़की के साथ कैंटा अच्छी बात को जब यही कहना चाहूंगा लव यू ब्रो ऐसे आगे बढ़ता रहे मजाक पच्ची सब साइड में बाकी तू बहुत अच्छा कर रहा है बोल द बेस्ट ब्रो चंदे गाड़ दे जा ब्रो दिस इज फॉर यू ब्रो दिस व्लॉग इज फॉर यू आकाश चिल कर ब्रो ड्रिल कर सबको खत्म कर हाय गाइस सो फाइनली हमने कर लिया है चेंज लग रहा होगा ना कि पहले कैसे बात कर रहा था भाई ये ऐसे बोलते हैं एक्टिंग कि मुझे भी पता है कि मुंबई की लैंग्वेज कैसी है और अपन कैसे बोल सकते हैं बाकी हम थोड़े थक गए थे तो हम लोग ग्लूकॉन डी पी रहे थे एक्चुअली बोतल में ग्लूकॉन डी है क्यों गलत चीज़ों पे देख लेते बाकी आकाश को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसके घर में इतना सब कांड कर दिया उसको सीधा पता चलना चाहिए जब ये व्लॉग आ जाएगा भाई ये व्लॉग सिर्फ तेरे लिए मुझे पता है बाद में तू बड़ा प्यार करने वाला है मुझे बहुत गालियाँ सुनाने वाला है इट्स ओके मैं हम दोस्त बने इस चीज़ के लिए ना गाली दें गाली सुने क्योंकि मैं तो 21 प्लस हूँ भाई अभी तो आई कैन डू एनीथिंग ब्रो अंडरस्टैंड बट मैं दूंगा नहीं मतलब पर समझ लो मेरी ऑडियंस को अच्छी चीज़ें समझाऊंगा सिखाऊंगा गाली नहीं देना कभी कि भाई बहुत मजा आने वाला है व्लॉग में मज़ा आ गया भाई इतनी खुशी मिल रही है ना इतनी शांति मिल रही है अब ऐसा लग रहा है कि इसके घर में आके मैंने कुछ तो किया मतलब मैं दूसरी बार आया उसके घर में अब ऐसा लग रहा है कि भाई सोच रहे हो मतलब दूसरी बार मतलब जल्दी कोई बंदा कर ही नहीं सकता वो तो क्या यूज टू हो गया था मेरे घर से मज़ा आ गया बस अभी व्लॉग देखना पता नहीं कहाँ तक चलेगा कैसे चलेगा पर देखना बहुत मजा आएगा चलो गाइस रात से हो गई है सुबह और हम लोग निकल चुके हैं कुछ खाने के लिए और ये ऐसा ऋतिक भैया का मन हो रहा था क्योंकि ऋतिक भैया का खाना पच गया था तो फिर हमने सोचा कि लव लैंग्वेज इनकी लव लैंग्वेज तो ये कहेंगे ऋतिक भैया उन्होंने बोल दिया अपनी डिश बोल दी क्या है वो खिला रहे हो मलाई मक्खन पाव चलो भाई मतलब गुड नाइट तो नहीं हुई पर कम से कम गुड मॉर्निंग तो हो ही गई और मॉर्निंग ऐसी हुई कि बढ़िया मॉर्निंग हुई है भाई मजा आ गया भाई हाँ भाई वेरी गुड मॉर्निंग डांस करें इस पे ये वाला
अबे यही वाला है गाइस, पीपल संभोग। चलो भाई बन गए अच्छे से। ले भाई भाई पकड़ लेते अपनी गाड़ी आ जाती साइड में। ले भाई क्वेश्चन पूछे थे बेचारे हमसे बड़े प्यार से, मतलब अपना पर्सनल टाइम एंजॉय कर रहे थे ड्रिंक व्रिंक पी के। पुलिस आई भंग कर दी, पूरा ड्रिंक पूरी उतार देंगे अभी, जब तक घर पे जाने तब तक पूरी उतार देंगे भाई। बढ़िया भाई अभी हम लोग निकल गए और अब यही है कहने का, अब सोएंगे थोड़ा सा एक दो घंटा फिर हम घर निकल जाएंगे, फिर भाई को भी कहीं जाना है। लगा ही पड़ा अभी तक तू काम करना अपना। चलो भाई तो हम लोग पहुंच गए बिल्डिंग में और एक आई है बहुत प्यारी सी बढ़िया सी जोर की सी छींक जो संकेत दे रही है अब सोने का। बहुत हंसी मजाक हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, अब चुपचाप सो जाते हैं। चल क्या झूला झूला झूलना है भाई, चल जुकाम हो गया भाई अब तो। तबीयत मेरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है एक्चुअली, तो कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग, अब भाई सोने के बाद मिलूंगा अब सीधा। चुपचाप घर पे जाके सो जा चुपचाप। चलो गए गए चलो चलो। हाँ समझ लो जब मैं इन लोगों को लेके जा सकता हूँ तो तुम तो बहुत छोटी चीज़ हो। क्या कह रहे योगेश के दोस्त सिर्फ योगेश की सुनते हैं, इसलिए तो तुम लोगों को पाला है। इस पे वो लगाऊंगा ओ पाला नहीं, हम खुद पले हैं। टुकड़ों में भी नहीं है, टुकड़े तो निक रहे हमारे। इसे ले चल, थुक 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 दे थुक दे थुक दे, बड़ा थुक बड़ा। चलो भाई आगे अब घर पे सोएंगे। चलो भाई फाइनली हम लोग उठ चुके हैं और दोपहर को हम लोग उठे हैं क्योंकि हम लोग सोए ही कुछ 9 बजे करीब है भाई, सोने ही नहीं दिया पर बहुत मज़ा आया। ठीक है अभी वो जो मज़ा है ना, अभी वो मज़ा हम पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ आकाश को भी देना चाहते हो। आकाश को पता नहीं है एक्चुअली कि हमने उसके साथ वीडियो बनाया और वीडियो ऋतिक ने एडिट कर दिया था जब वो सो रहा, उसके बगल में रह के एडिट किया है, खतरे से खेला है इसने। तभी वो नहाने गया, नहा के बाहर जब आएगा तब बातचीत होगी और उसका रिएक्शन होगा, मजा आने वाला मजा। भाई पहले मैं इसको मारता था, अभी मुझे मारेगा भाई। चल एक सरप्राइज है तेरे लिए, ठीक है क्या? हैप्पी है ना? ठीक है भाई तेरे लिए एक सरप्राइज है, ठीक है हैप्पी। ऋतिक के पास है, बड़ी मेहनत से बनाया तेरे लिए, सिर्फ हमने बनाया है बहुत मेहनत से। यू आर चौंक जाएगा, यू आर जस्ट चौंक जाएगा। ऋतिक यहाँ के, ऋतिक बैठ के यहाँ बैठ के जल्दी आ आराम से, तू इधर बैठ। ब्राइटनेस और ये सामान लग ही रहा था तुम बट आके सो गए। सारी लाइट ऑन कर ले भाई, यही बोल रहा था ये, मैं कुछ नहीं कह रहा था। हेलो भाई देख तो पूरा सजा दिया भाई तेरा, एकदम क्लीन एकदम देख। मस्ती कर लो बट वही है कि मिला देना एंड में। चलो भाई मानिए मतलब प्यार रिएक्शन था क्योंकि हमने सब रख दिया था जैसे ये लोग रखते हैं, अच्छे तरीके से रखते हैं जो मेरे घर में। मजा आया भाई। बाकी अब बेचारा ये निकल रहा है अपने काम के लिए और फिर मेरे को भी जाना है एक जगह पे, तो मैं सोच रहा हूँ और ऋतिक का जो कॉल टाइम है उसके जगह का वो 7 बजे का है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ ऋतिक को भी अपने साथ लेके जाता हूँ, बेचारा गरीब कहाँ रहेगा फिर ये। तो बहुत अच्छा कुछ काम कर रहा, तो वो चीज़ आपको बाद में दिखाऊंगा होने के बाद, हो जाए हे भगवान करवा दे उसे प्लीज। तो यस बस अभी हम लोग चलते हैं। यो बच्ची सो फाइनली, अरे यार यस, तो गाइस फाइनली जो भी व्लॉग था इतना ही व्लॉग था, बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को क्योंकि भाई ये लोग ना कभी नहीं छोड़ते मुझे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी नहीं छोड़ूं। इस बार बहुत ठंडा रिएक्शन दिया था बट कोई बात नहीं भाई, मैं तो बहुत खुश हुआ और जो मज़ा आया मेरे को ऋतिक वो सिर्फ हम दोनों ही जान सकते हैं या फिर आप लोग जान सकते हैं, आप लोग फील कर सकते हो इस टाइम पे मुझे, क्योंकि इसने जो मेरे घर का कबाड़ा किया था ना, मतलब मैं ऐसा कुछ सोचा नहीं था बट मैंने तो कितने अच्छे तरीके से रखा था
प्यार से निकाला, प्यार से रखा, इसने तो भाई गिरा के रगड़ दिए थे कपड़े। बट कोई ना, वो भी सेकंड टाइम कभी ना कभी होगा। तो यस, ये व्लॉग इतना ही था। होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हुआ, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना कैसे भी ना कैसे, क्योंकि ये व्लॉग में बहुत मेहनत लगी है, बहुत रिस्क है भाई। ये समझ लो मौत को छू के वापस आया था मैं, वो तो दिमाग अच्छा था, ठंडा था, वरना भाई दो दो रैपट पड़ते पीठ पे, वो भी जमा के खतरनाक तरीके से। बच गए भाई, बच गए। नेक्स्ट व्लॉग पे जैसे निकालूंगा, टेंशन मत लो।